सारांश लिखनर प्रश्न नंबर तीन को आपण समस्त स्वागत। शब्द संख्या रही 201। निम्न परिच्छेदटीर संक्षिप्त सार प्राय 200 शब्द मध्य लेख। यह यथासंभव तुमर निज भाषा लिखित होगा उचित। संक्षिप्त सार शेष तुम्हें एथिरे व्यवहार कर शब्द संख्या उल्लेख करने आवश्यक। 1996 ओएस एग्जाम आसीला। सूचना निर्दिष्ट आकार ठारु संक्षिप्त सार अधिक बड़ बा सान हेले मूल्यांक विजुक्त हेबो। पुराण सिद्ध भारत भूमि रे केते जे मानवीय लीला घटी जाइछि तहार इयत्ता नाही। अवाहमान कालरु ज्ञान विज्ञान शिल्पकला साहित्य दर्शन समाजनीति राष्ट्रनीति धर्मनीति प्रभृतिर एक विराट कर्मक्षेत्र रूपे विद्यमान रही यह भारत भूमि देश विदेश संगे सांस्कृतिक संबंध स्थापन करी विशाल बक्षर हिमालय ठारु कुमारिका पर्यंत समाजगत राजनैतिक तथा धर्मगत विप्लव मान संगठित होइथिले सुद्धा कि एक अद्भुत शक्तिर बळरे यहार वैशिष्ट और परंपरा अक्षुण्ण रही। यहार संस्कृतिगत परिवर्तन जुग जुग धरी घटी आसीथिले हे। एहा विभिन्न विदेशी सभ्यता और संस्कृति एक महासमन्वय क्षेत्र रूपे आज पर्यंत निजर अस्तित्व रक्षा करी आसी। एपरी देश नहीं एपरी जाति नहीं जहार शारीरिक मानसिक नैतिक राजनैतिक तथा सामाजिक दृष्टि व संस्कृति कालर प्रवाह परिवर्तित होना कारण अपरिवर्तनीयता हुए तो पूर्णता नचे मृत्यु किंतु यही परिवर्तन निरपेक्ष नुहे। यार अंतराल एक सनातन सत्ता विद्यमान थाए सुतरां जहाँ परिवर्तित हुए तहार आत्मा बा स्वरूप सर्वदा उक्त परिवर्तनर भित्तिभूमि होइथाए। सेहिपरी भारतीय संस्कृतिर नाना परिवर्तन घटीथिले हे एहार आत्मा बा स्वरूप परिवर्तित होइनाही। भारत एपर्यंत निजर सही आदि संस्कृति पीढ़ीरे दंडायमान रही विश्व संघरे निजकु समजोजित करि आसुअछि। कौनसी देश व जातिर संस्कृति तहार आदर्श उपर प्रतिष्ठित। जो संस्कृति जिते उन्नत और क्रियाशील तहार पश्चात देश में सेतिकी उच्च आदर्श विद्यमान थिबा स्वाभाविक कारण सांस्कृतिक आदर्शर विभिन्न विभागर बहिर्प्रकाश तथा आदर्शर कार्य परिणति कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। जदि भौतिक सुख संभोग कौनसी देश व जातिर चरम लक्ष्य हुए ताहले तहार संस्कृति दैहिक सुख स्वच्छंद सहकारी धन सम्पद नानाविध इंद्रिय लभ्य भोगविलास आकार धारण करे। भौतिक बल संपन्न राजशक्ति स्वरूप देश विदेश अधिवासी करगत करी सेमानक सुख संभोग उपरे कर्तृत्व करे। प्रख्यांतरे विश्व मानविकता आदर्श रूपे गृहीत हेले मानव विश्व निजकु एवं निज ठारु विश्व को देखी अकथनीय विश्वप्रेम अनुभव पूर्वक ताकु नाना देश हितकर अनुष्ठान रूपे प्रकाश करे एवं एही अनुष्ठान गुड़िकर माध्यम रे विश्वर विभिन्न विभाग रे गोटे बहुक्रियाशील संस्कृति गढ़ी बसे। सुतरां कहिबाकु हेबो कौनसी देश व जाति संस्कृति ताहार चरम लक्ष्य व चरम आदर्श उपरे प्रतिष्ठित। ताहार उक्त आदर्श महनीयता बा नीचतार परिमापक। वर्तमान भारतर एही आदर्श कौन थिला एवं यहार बहिप्रकाश किपरि भाबरे घटी ताहार गोटे महती संस्कृति सृष्टि करिपारिथिला एहा ही आंभ मानंकर आलोच्य विषय। भारत रे वैदिक युग पूर्वरु एक असुर बा अनार्य सभ्यता विद्यमान थिबार जेउ साही ऐतिहासिक प्रमाण मान मिलुअछि एथिरु अनुमित हुए जे वैदिक बा आर्य सभ्यता तार संघर्ष रे आसी तार उपादान गुडीकु ग्रहण करिबा संगे संगे निजर उन्नति आदर्श और विशाल संस्कृति को दृढ़ भाव प्रतिष्ठित करिपारिथिला। मानव जीवन रे परम आदर्श सत्य शिव सुंदर को सम्मुखरे रखी आर्य भारत स्वय संस्कृति और सभ्यता गढ़ी आसी। आदर्शर पूर्णता ताहार विभिन्न विभावर पूर्णता उपरे निर्भर करे। सुतरां सत्य शिव सुंदर नाम रे विभावत्रय संपूर्ण उपलब्धि निमित्त जो सब सहकारी अवस्था और उपाय आवश्यक से गुड़िक सृष्टि करी भारतवासी ताहार संस्कृति को रूपरेख दे आसी अछि। एही बहुमुखी संस्कृति भारतीय जीवन को चिरकाल नियमित करी अछि। मात्र एगुड़िक युग प्रवर्तक महामनीषी मानक कर्तृत्व दूरीकृत हो समग्र जातीय जीवन को ही आदर्श दिगरे नहीं जाए। भारतीय प्राण पूर्ण सत्यर अनुसंधान
लागिपड़ी ज्ञान क्षेत्र में वेद वेदांग रूपे एक प्रचंड संस्कृति धारा सृष्टि करिपारी शिव बा मंगल अनुसंधान गति करी व्यवहारिक जीवन क्षेत्र में लोकहितकर अनुष्ठान मानकर सृष्टि शक्ति विनियोग करी से संगे संगे विभिन्न कला सृष्टि करी सुंदर उपलब्धि बहु परिमाण में सफल काम होविध सृष्टि त्रिवेणीर मिलित धारा पी एक सम्मिलित संस्कृतिर धारा रूप से प्रवाहित हो भारतर समष्टिगत तथा व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करी भारतीय दर्शन धर्मतत्व नीतिशास्त्र राजनीति अर्थशास्त्र शिल्पकला जौनतत्व आयुर्वेद गणितशास्त्र संगीत विद्या साहित्य प्रभृति ज्ञान मार्ग विभिन्न देश हितकर अनुष्ठान मान तहार विशाल संस्कृतिर विभिन्न विभाग मात्र एगुड़िक विभिन्नता दृष्टि कही 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 पारंती जेपरिक एगुड़िक परस्पर ठार् एकाबेके विच्छिन्न किंतु यथार्थर ता नुहे समस्त उल्लिखित त्रिरूपात्मक चरम लक्ष्यर उपलब्धि निमित्त विभिन्न उपाय मात्र प्रत्येक से ही सत्य शिव सुंदर पूर्ण उपलब्धि निमित्त प्रचेषा और समालोचना रही है। प्राचीन भारतर संस्कृति स्वरूप भारतीय संस्कृतिर प्राचीनता आधुनिक पंडित मानकर गवेषणा द्वारा प्रतिपादित होबारे लागी मोहेंजोदार और हरप्पा ठारे प्रत्नतत्वविद गण जो एक लुप्त सभ्यतार जो सब निदर्शन और अवशेष आविष्कार करती वर्तमान प्रत्यमान हो प्राचीन भारत में एपरिक प्रागौतिहासिक जुगरे एहिपरि सभ्यता थिला जहिरु तहार एही बहुमुखी संस्कृतिर उद्भव होता यह छड़ा एलोरा अजंता एवं एलिफांटा प्रभृतिर भित्तिचित्र विभिन्न स्थान में अनुशासन शिलालिपि और ताम्रफलक प्रभृतिर मध्य संस्कृतिर परवर्ती अवस्थार परिचय मिले। भारतर प्राचीन संस्कृति से ही आदि मौलिकता नहीं अबाधर जे गति करी नुहे ए देश में जिते वैदेशिक आक्रमण तथा आभ्यंतरीण आंदोलन जातिगत व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करी फलरे संस्कृति बहुधा रूपांतरित होई तथापि भारत तहार स्वाभाविक सहिष्णुता बल समस्त प्रभाव को निजस्व कर संस्कृतिर विभिन्नता मध्य ऐक्य संपादन करी यार उत्तर आम एवं देखा। प्रथमे नामकरण भारतीय संस्कृतिर महत्व विशाल देश भारत में जुग जुग धरी नानाविध सामाजिक राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विप्लव संघटित हो आसी फल सभ्यतार परिवर्तन घटी किंतु यार आत्मा अपरिवर्तनीय भाव यार महनीय सभ्यतार शाश्वती सत्ता रूप से विद्यमान से ही आदि संस्कृतिर पीठ से दंडायमान भारत विश्व संघरे निजकु समयोजित करूँगी उच्च संस्कृति अंतराल सर्वदा उच्चदर्श थाए संस्कृति हेउची अंतर्निहित आदर्शर बाह्य परिप्रकाश भोगमूलक आदर्श उपनिवेशवाद को जन्म दिए किंतु त्यागमूलक आदर्श विश्व भ्रतृवाद सृष्टि करे। भारत वैदिक युग पूर्व एक अन्यार्य सभ्यता विद्यमान थी आर्य सभ्यता तार संसर्ग रे आसी से उत्तम उपादान मान निजर अंगीभूत करपृष्ट है मानव सभ्यतार परमदर्श सत्यशिव सुंदर को सम्मुखें रखी आर्य सभ्यता गढ़ी उठिला। सत्यशिव सुंदर प्रतिष्ठा निम्ते महामनीषी मान उद्यम सहायक है फल देश में वेद वेदांग रूपे एक प्रकांड सांस्कृतिक धारा सृष्टि है। भारतर धर्म दर्शन शिल्पकला प्रभृति ज्ञान मार्ग और नाना देश हितकर अनुष्ठान मान तार विशाल संस्कृतिर विभिन्न विभाव मात्र प्रत्येक से ही सत्य शिव सुंदर पूर्ण उपलब्धि निमित्त प्रचेषा निहित मोहेंजोदार और हरप्पा ठार् जो लुप्त सभ्यतार निदर्शन मिले ता प्रमाण कै जे भारतीय प्रागौतिहासिक जुगर सभ्यतार मध्य बहुमुखी संस्कृतिर प्रसार होता बहुमुखी संस्कृतिर प्रसार होता अजंता एलोरा प्रभृति चित्रकला विभिन्न अनुशासन शिलालिपि और ताम्रफलक प्रभृतिर प्राचीन संस्कृतिर परवर्ती अवस्थार परिचय मिले। प्राचीन और आधुनिक संस्कृतिर तुलनात्मक अध्ययन प्रमाणित हुए जे भारतीय संस्कृतिर मौलिकता अपरिवर्तित रही वैदेशिक प्रभाव को भारत निजस्व करी नहीं सांस्कृतिक विभिन्नता मध्य ऐक्य संपादन करी अछि। शब्द संख्या 203 त
ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟିରୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ, ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।